How to receive serials te spoken tutorial vich tuhanu swagat hai. Is tutorial vich assi sikhange serials kivein prapt karna hai, late serials di mang karna, serials expiration janchna, serials navikaran karna, serials search karna. Is tutorial nu record karan layi main varton kar rya haan Ubuntu Linux operating system 16.04 अते कोहा वर्जन 16.05 इस ट्यूटोरियल दी पालना करन दे लई तुहानू लाइब्रेरी साइंस दा ज्ञान होना चाहिदा है इस ट्यूटोरियल दा अभ्यास करन दे लई तुहाडे सिस्टम ते कोहा इंस्टॉल होना चाहिदा है अते तुहाडे कोहा विच एडमिन एक्सेस भी होना चाहिदा है ज्यादा जानकारी दे लई कृपा करके इस वेबसाइट ते कोहा स्पोकन ट्यूटोरियल दी लड़ी वेखो सीरियल्स प्राप्त करन दे लई कोहा विच सुपर लाइब्रेरियन बेला अते उसदे पासवर्ड नाल लॉगिन करो कोहा होम पेज ते सीरियल्स ते क्लिक करो नवे पेज दे शिखर ते टाइटल फील्ड देखो जर्नल दे सिरलेख दा पहला जा कोई होर शब्द दर्ज करो उदाहरण दे लई मैं इंडियन टाइप करांगा फील्ड दे सज्जे पासे सबमिट बटन ते क्लिक करो नवा पेज सीरियल्स सब्सक्रिप्शंस खुलता है ए पेज हेठ दित्ता वेरवा दिखाउंदा है ISSN टाइटल नोट्स लाइब्रेरी लोकेशन कॉल नंबर एक्सपायरेशन डेट एक्शंस टेबल दे सज्जे कोने ते एक्शंस टैब ते क्लिक करो ड्रॉप डाउन तो सीरियल रिसीव चुनो एक होर पेज सीरियल एडिशन इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेबल दे नाल खुलदा है इस टेबल विच स्टेटस सेक्शन विच ड्रॉप डाउन ते क्लिक करो अते अराइव्ड चुनो फिर पेज दे हेठा सेव बटन ते क्लिक करो एक होर पेज सिरलेख Serial Collection Information for Indian Journal of Microbiology दे नाल खुलदा है। इत्थे असी Subscription Summary वेख सकते हां। इस तरह नाल असी Serials प्राप्त कर सकते हां। हुन सिखते हां कि Late Serials दी मंग किवें करनी है। Koha Serials Vendors नू ईमेल मैसेज भेज सकता है। जेकर उत्थे देरी नाल संबंधित कुछ समस्यावां हुंदियां हन। उदाहरण दे लई, 4 Serials Issues विच्चों लाइब्रेरी नु प्राप्त होया है केवल इशू नंबर 1, 2 एंड 4 अते इशू नंबर 3 प्राप्त नहीं होया है। अजेहे मामले विच इशू नंबर 3 दे लई मंग भेजी जा सकती है जो हुन तक भी प्राप्त नहीं होया है। मुख सीरियल्स पेज दे खब्बे पासे वल उत्थे क्लेम्स नाम दा एक ऑप्शन है। क्लेम्स ते क्लिक करो। नो क्लेम्स नोटिस डिफाइंड Please define one. डायलॉग बॉक्स दे नाल एक नवा पेज खुलदा है. Please define one ते क्लिक करो. Notices and slips नाम वाला एक नवा पेज खुलदा है. Notices and slips विच select a library ते जाओ. ड्रॉप डाउन तो अपनी लाइब्रेरी दा नाम Spoken Tutorial Library चुनो. मैं Spoken Tutorial Library चुनागा. Select a library टैब विच न्यू नोटिस टैब ते क्लिक करो ऐड नोटिस सिरलेख दे नाल नवा पेज खुलदा है उसे पेज ते लाइब्रेरी सेक्शन विच कोहा डिफॉल्ट रूप नाल लाइब्रेरी नाम दी चोन करेगा मेरे मामले विच मैं स्पोकन ट्यूटोरियल लाइब्रेरी चुनांगा कोहा मॉड्यूल दे लई ड्रॉप डाउन तो क्लेम सीरियल इशू चुनो ध्यान दिओ जिवें ही ड्रॉप डाउन तो क्लेम सीरियल इशू चुनिया जांदा है तां कोहा ऑल लाइब्रेरीज दे रूप विच लाइब्रेरी दे लई अपने आप ही फील्ड दी चोन करदा है तां फिर लाइब्रेरी टैब ते जाओ अते ड्रॉप डाउन तो स्पोकन ट्यूटोरियल लाइब्रेरी चुनो चलो अग्गे वधीए कोड फील्ड विच क्लेम टाइप करो नेम फील्ड विच अनसप्लाइड इश्यूज टाइप करो फिर
ईमेल सेक्शन ते क्लिक करो। मैसेज सब्जेक्ट फील्ड विच अनसप्लाइड इश्यूज टाइप करो। मैसेज बॉडी सेक्शन विच वेंडर दे लई ईमेल टाइप करो। मेरे इस विच वेंडर मुंबई जर्नल सप्लायर है। मैं अपने इस वेंडर नू एक छोटा ईमेल लिखया है। तुसी वीडियो नू रोक सकते हो अते अपनी लाइब्रेरी दे वेंडर नू ईमेल लिख सकते हो। इस दे बाद जेकर जरूरी होवे ता तुसी फोन प्रिंट अते एसएमएस लई वेरवा भर सकते हो। मैं उन्हां नू खाली छड़ देवांगा। फिर पेज दे हेठां सबमिट बटन ते क्लिक करो। नोटिसेस एंड स्लिप्स नाम वाला नवा पेज खुलदा है। नोटिसेस एंड स्लिप्स विच सिलेक्ट ए लाइब्रेरी टैब ते जाओ। कोहा अपने आप ही स्पोकन ट्यूटोरियल लाइब्रेरी चुनदा है। तुसी लोड मुताबिक ड्रॉप डाउन तो अपनी लाइब्रेरी दी चोन कर सकते हो। उस पेज ते हेठ दित्ती टैब्स दे अनुसार भरन वाले वेरवे वाली एक तालिका है। लाइब्रेरी मॉड्यूल कोड नेम कॉपी नोटिस अते एक्शंस। फिर कोहा होम पेज ते वापस जाओ। अजेहा करन लई खब्बे कोने ते जाओ अते होम ते क्लिक करो। कोहा होम पेज ते सीरियल्स ते क्लिक करो। खुलन वाले नवे पेज ते खब्बे पासे जाओ अते क्लेम्स ते क्लिक करो। नवे पेज ते वेंडर फील्ड विच ड्रॉप डाउन तो जरूरी वेंडर दी चोन करो। हालांकि मेरे कोल जर्नल लई केवल एक वेंडर है, मैं वेंडर मुंबई जर्नल सप्लायर दे नाल अग्गे वधांगा। फिर फील्ड दे सज्जे पासे वल ओके ते क्लिक करो। सिरलेख मिसिंग इश्यूज दे नाल नवा पेज खुलदा है। नवे पेज ते मुंबई जर्नल सप्लायर दे लई खब्बे पासे दे चेक बॉक्स ते क्लिक करो। तुसी अपने वेंडर दे अनुसार चेक बॉक्स ते क्लिक कर सकते हो। फिर पेज दे हेठां सेंड नोटिफिकेशन बटन ते क्लिक करो। ओही पेज फिर तो खुलदा है अते इस दे नाल एक ईमेल वेंडर नू भेजिया जांदा है। ध्यान दिओ कि ईमेल कोहा सर्वर दे नाल संबंधित वेंडर नू भेजिया जांदा है। हुण असीं चेक एक्सपायरेशन दे बारे विच सिखांगे। चेक एक्सपायरेशन दी वरतों ए परखण लई कीती जांदी है कि सबस्क्रिप्शंस दी समा सीमा खत्म होण वाली है। उसे पेज ते खब्बे पासे जाओ अते चेक एक्सपायरेशन ते क्लिक करो। चेक एक्सपायरेशन पेज खुलदा है। हुण फिल्टर रिजल्ट्स सेक्शन विच लाइब्रेरी ते जाओ अते ड्रॉप डाउन तो स्पोकन ट्यूटोरियल लाइब्रेरी चुनो। तुसे इत्थे अपनी लाइब्रेरी दी चोन कर सकते हो। इस दे बाद एक्सपायरिंग बिफोर दा जिक्र करदे हां। इस दे नाल सारे जर्नल्स दी पूरी सूची मिल जावेगी जो उस विशेष तारीख तों पहला खत्म हो जानी है। एक्सपायरिंग बिफोर विच मैं 01/01/2019 दर्ज करांगा। हुन पेज दे हेठां सर्च बटन ते क्लिक करो। उसे पेज ते 01/01/2019 दी समाप्ति दे कारण होण वाले जर्नल्स दी एक सूची एक सारणीबद्ध रूप विच दिखाई देंदी है। असी हेठ लिखे वेरवे भी वेख सकते हां। ISSN टाइटल लाइब्रेरी ओपैक नोट नॉन पब्लिक नोट एक्सपायरेशन डेट अते एक्शंस। हुन एक्शंस टैब विच रीन्यू बटन ते क्लिक करो। सिरलेख सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल फॉर इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दे नाल एक नवी विंडो खुलदी है। इस पेज विच हेठ लिखे दर्ज करो। स्टार्ट डेट विच कृपा करके अपनी लोड दे अनुसार तारीख दर्ज करो। मैं 01/01/2018 दर्ज करांगा। अगला सब्सक्रिप्शन लेंथ है। इन्हां तीन फील्ड्स विचों एक नूं भरन दा सुझाव दित्ता जांदा है, अर्थात नंबर ऑफ
num jis da matlab hai issue, number of weeks ate number of months. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਰਨਲ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਹਾ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਮ ਵਿੱਚ 4 ਚੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਫॉर द ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੈਨੇਜ ਯੂਰ ਰੀਨਿਊਅਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ मैसेज सब्सक्रिप्शन रिन्यूड वाली एक विंडो दिखाउंदा है इस विंडो नू बंद करन दे लई उपर खब्बे कोने ते जाओ अते क्रॉस मार्क ते क्लिक करो फिर एक होर पॉपअप मैसेज दिखाई देंदा है टू डिस्प्ले दिस पेज फायरफॉक्स मस्ट सेंड इंफॉर्मेशन दैट विल रिपीट एनी एक्शन सच एज ए सर्च और ऑर्डर कन्फर्मेशन दैट वॉज परफॉर्म्ड अर्लियर इस मैसेज के दो विकल्प हैं कैंसल ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਡ ਰੀਸੈਂਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਵਿੱਚ 01/12/2019 ਚੁਣੋ ਕੇਵਲ ਐਕਸਪਾਇਰਿੰਗ ਡੇਟ ਪਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਚ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਰਨਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜੋ 01/12/2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਸਾਰਨੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ISSN ਟਾਈਟਲ Library, opaque note, non-public note, expiration date, ate actions. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਾ ਸੁਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਹਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਓ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਚੁਣੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਰੀਅਲਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਟ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀਰੀਅਲਸ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚਣਾ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀਰੀਅਲਸ ਖੋਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿਯਤ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ NMEICT MHRD ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ IIT ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ